श्रद्धा और अप्पू सर के लिए, दोनों के लिए एक सवाल है कि हिंदी सिनेमा में जब भी गैंगस्टर की फिल्में बनती है, गैंगस्टर बेस्ड फिल्में जो बनती है, तो अमूमन ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं गैंगस्टर को ग्लोरीफाई करती हैं या जो बैकड्रॉप है उसे ग्लोरीफाई करती है, ऐसा अक्सर हिंदी सिनेमा में देखा गया है। तो उसे अवॉइड करने, क्या इस फिल्म में उसको अवॉइड करने की आपने कुछ खास कोशिश की है कि उसे ग्लोरीफाई ना किया जाए, जैसे हालात थे बस उसे दिखाया जाए वैसे? सर, आपने ट्रेलर देखा, आपको लगा कि मैंने कहीं भी ग्लोरीफाई किया है किसी को भी? लेकिन क्या होता है सर कि जो जब या किसी लाइव पर्सन के बारे में आप पिक्चर बना रहे हो, जिसकी फैमिली है, जिसके जिसके भाई बहन अभी भी जिंदा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू द मैक्सिमम रिसर्च यू कैन डू एज अ फिल्म मेकर। नाउ एज अ फिल्म मेकर आई हैव टू टेक बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यूज। मैंने पुलिस का भी व्यू लिया था, मैंने जो उनकी फैमिली से, उनके रिश्तेदारों से सुना था वो भी व्यू लिया था, जो क्राइम रिकॉर्ड्स जो पुलिस स्टेशन में है वो ली थी हमने। वी हैव गॉन ऑलमोस्ट एज बैक एज 1979 के सब FIR थे जो हमारे पास, जो आप पिक्चर देखोगे तो आपको एंड में, एंड क्रेडिट्स में सारे FIRs दिखेंगे कि जो उनके ऊपर केसेस थे, जो क्या थे। तो जितना रिसर्च हम कर पाएँ एंड व्हाट आई थॉट विथ माय टू राइटर्स सुरेश नायर एंड चिंतन गांधी कुड गेट इनटू द स्क्रिप्ट टू मेक इट एज बैलेंस्ड एज पॉसिबल, दैट इज़ व्हाट वी हैव डन एंड एट द सेम टाइम वी हैव केप्ट अ कमर्शियल एंगल टू इट। सिद्धांत से एक सवाल है कि दाऊद के जो न्यूएंसेस पकड़ने के लिए आपने किस तरह की तैयारी की, व्हाट वाज द प्रोसेस? पहले आपने देखा होगा ऋषि कपूर सर, अक्षय सर, ऑल दिस गाइज हैव प्लेड दाऊद इब्राहिम ओनली व्हेन ही इज बिकम यू नो 35-40 plus, बट नोबडी हैज सीन दाऊद इब्राहिम व्हेन ही इज 18-19। तो आई हैड द फ्रीडम टू यू नो टू पोर्ट्रे माई सेल्फ इन द वे आई वॉन्ट टू व्हेन ही इज यंग, बिकॉज कोई जानता नहीं था कि वो कैसे दिखते थे, वो कैसे चलते थे, वो कैसे सिगरेट पकड़ते थे, वो कैसे यू नो एंड हाउ हिज ट्रांसफॉर्मेशन वॉज देयर। आई वुड लाइक टू थैंक ऑफ कोर्स सुभाष फसाद सर एवरीवन, बट आई मुझे एक साइकी उनकी पकड़नी थी, उनका जो जर्नी था बचपन से, वो अपने फैमिली के लिए क्या क्या करते थे, एंड स्पेशली द होल जर्नी वॉज वेरी डिफरेंट कम्पेयर टू द अदर फिल्म्स। एक साल लगा मुझे ये प्रेप करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी सारे वर्कशॉप्स किए समर सर के साथ अमंगस्ट ईच अदर ऑल्सो, बट it was very difficult with all the prosthetics and all in the end, yeah. Look, विषयी सांग कशा पद्धतीची तयारी तू केली होतीस, कारण तुला पुट ऑन करावं लागलं होतं आणि बाकीचे सिनेमेचं डबिंग आणि या सगळ्या गोष्टी होत्याच? आता डबिंग चालू आहे, पण पूर्ण प्रोसेस होता आमचं, टीम फारच, आई मीन वी वर व्हेरी ब्लेस्ड टू हॅव अन अमेझिंग टीम, सुभाष दादा, सिमरन होती आणि वेगळे वेगळे लुक्स आहे फ्रॉम 17 to 45। सो ते तो प्रोसेस होता तो खूप मजा आली, कारण की नेहमी काय ते वॉईस पण चेंज करायचं होतं, तर खूप मजा आली। पहिल्यांदा असं हा रोल मी प्ले करते तर मजा आली, पण खूप चॅलेंजिंग पण होतं नक्कीच। आणि मराठी प्लॅटफॉर्मवर देखील तू हा सिनेमा प्रमोट करताना दिसशील आम्हाला? मला असं वाटतं की कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर, आणि आम्हाला फक्त ते इन्व्हिटेशन भेटायला पाहिजे की तुम्ही या आणि प्रमोट करा, मग आम्ही जाणार तिथं। हाय श्रद्धा, मिनी फ्रॉम इंडिया टुडे हियर। हाय हाय, कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स ऑन सच अ पॉवरफुल ट्रेलर। थँक्यू, आय होप यू लाईक इट। येस, थँक्यू। देर ऑलवेज हॅज बीन इन्स्टन्सेस ऑफ अनसेट racism in the industry, be it the fairness creams that the celebrities endorse, or right from there's certain definition of beauty that's defined in a stereotypical way. Many celebrities have even cited examples for it, right from Abhi Deol to now Nawazuddin Siddiqui, who has recently tweeted about this undenied unsaid racism prevalent in the industry. So what's your take on it? Do you think it's certainly prevalent in the industry in certain amount? I've always said that personally my definition of beauty is very different, in terms of I believe that beauty is entirely skin deep first, and that's where you know, you can come from any background, you can have any ethnicity, you can have any skin color. I feel that true beauty radiates from within, and you know, of course I feel like, of course, in
in our society there are pressures, and I don't feel like it's only prevalent through the film industry. I don't agree with that, just because our industry is more in the limelight. Of course, things tend to get a bit more highlighted because of that. But I do feel what's more important is, I was on this show, We the People, and we were talking about something completely different. We were talking actually about the Hindi language, Hindi and English languages being, you know, is it cooler to know and speak Hindi? But I will give you the same analogy, and I'll give you the same example. I feel that there are pressures, right? There are pressures in so many different ways, be it what you mentioned. I feel what's really important is how to deal with that kind of pressure and how you deal with, understanding and knowing and empathizing and explaining and, you know, just underlining the things that actually really truly matter, you know? So I truly feel that, of course, there are these pressures, but it's how you handle them that really matters. And I personally feel that beauty is entirely skin deep. And so keep smiling, be happy, and spread as much joy as you can. Absolutely well said. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hi, Shraddha over here. Hello. First of all, congratulations for the trailer. It looks Thank amazing. Thank you. Thank you. So happy you like it. My question to you is, you know, you have played a lot of fictional characters where you didn't have any reference point. But over here, there is a strong reference point because you are playing a real-life character. So which one is more challenging for you, the fictional one or the real-life one? Because in fictional one, you have to add your own understanding of the character. So I feel ki har film ke saath alag challenges hote hain. Aur pehli baar ek real-life character based kirdaar nibha rahi hu, to definitely, unfortunately, mujhe wo mauka nahi mila to meet Haseena Parkar. I wish ki I could have met her. It would have definitely helped me. But of course, Appu sir ne bahut waqt bitaya unke saath, to jo bhi unka anubhav raha by meeting her, wo unhone, he explained to me how it was to meet her, unki personality kaisi thi, unka aura kaisa tha. So that helped me a lot to understand, and I hope that, you know, I do a satisfactory job at it. But I think with every role, it's challenging, whether it's fictional or non-fictional. Every character has its own challenges to play. And I think it's great as an actor, you get to play so many different roles, you know. And I'm very happy that this is the first time that I'm getting to play a real life character. Yes. Thank you. Hi, Shraddha. And my Thank you. Second question is to Ankur. You know, you played the role of a husband in Sarabjit. So was this film offered to you after Sarabjit, or how did this film happen? So इस पिक्चर के लिए मैंने पहले टेस्ट दे दिया था अप्पू सर को, बट मैं फाइनल नहीं हुआ था. जब सरबजीत रिलीज हुई थी, आई थिंक वो देखने गए थे, और उस दिन उन्होंने मुझे वापस बुलाया था, और उस दिन मुझे पिक्चर मिली थी. एंड ही इज अ गुड हस्बैंड. हाय श्रद्धा. हाय, दिस इज मोनिका फ्रॉम पॉप बॉलीवुड. हाय. I just want to know you, कि आज 22 years हो गए थे DDLJ को यहाँ पे स्क्रीनिंग के, and fans are now a bit disturbed because the trailer launched. So what do you want to say? Sorry, say that again, please. 22 years से यहाँ DDLJ की स्क्रीनिंग हो रही थी, and आज disturbed हो गए, and fans are a bit upset. Really? They missed the screening. Yeah. So what do you want to say on it? I'm not aware of this actually. Is anybody upset? If anybody is upset, I would want to say sorry, because we would not want to make anyone upset about anything. But I'm not aware ki, I don't know if anybody has been, if there is anybody who's upset or anything. Would you know? Can we Somebody? Have next question, please? Huh. Yeah. Relevant to the movie. Hi Shraddha, how much weight did you? Yeah. Mr. Invisible. Hi. Yeah. So how much weight did you actually put on, and can you talk us through the weight gaining and weight losing journey? I put on a few kilos. Appu sir, how many kilos I put on? I don't remember. 8? I think it was, yeah, 7 to 9. Yeah. And now I'm in the process of losing that weight. And I'm trying to. Lekin, of course, I was hoping ki yaar,
वेट मेरे आर्म्स पे जाए थोड़ा सा, लेकिन हर किसी का बॉडी टाइप होता है, तो ज़्यादा करके मेरे पेट पे ही जा रहा था और हिप्स पे जा रहे थे ज़्यादा करके. आई विश कि एक कोई ऐसा फीचर होता कि यार थोड़ा और आर्म्स पे जाए, थोड़ा और यहाँ पे आ जाए, थोड़ा और यू नो यू कैन डायरेक्ट योर वेट, पर हर किसी का बॉडी टाइप होता है. तो मेरा मतलब आई विश कि यार मेरे हाथों पे जाता तो थोड़ा और मज़ा आता, पर इट वॉज़ अ प्रोसेस. उस वक्त वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, जो भी खाना चाहते हो आप खा सकते हो. अप्पू सर सेट पे रोज़ बिरयानी, गुलाब जामुन, क्या क्या, ओहो हो, अभी देखो अभी ना हो, बहुत खिलाया अप्पू सर ने, बहुत हम सबको बहुत खिलाया. एंड आई थिंक दैट यू नो ही लव्स, यू हैव टू सी हिज फेस व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट फूड, ही इज लाइक ही लाइट्स अप, यू नो इट्स लाइक आज खाने में क्या खाओगे, आज बिरयानी यहाँ से मंगाए, आज ये करे. एंड वी तो आर लाइक ऑलवेज रेडी, वी आर वेरी, एंड ही वुड ऑलवेज ऑर्डर नॉट वन डिश, सेवन डिशेज, मतलब फीडिंग एवरीबॉडी. सो आई थिंक दैट माई वेट गेन क्रेडिट गोज टू अपू सर. एंड द फिल्म वॉज अर्लियर ऑफर टू सोनाक्षी, सो वेन यू आर ऑफर्ड द फिल्म, वर यू अवेयर ऑफ दिस फैक्ट एंड वॉज द फीलिंग एनी डिफरेंट? आई डिडंट गेट टू मच इन टू इट बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो समटाइम्स यू हियर थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट मैं एक्चुअली मेरे खुद के बबल में रहती हूँ ज़्यादा करके. तो मुझे आई वॉज जस्ट मोस्ट एक्साइटेड कि अपू सर मेरे सामने बैठे मुझे फिल्म ऑफर करे, तो मैं उससे ही बहुत एक्साइटेड थी. ओके थैंक्स. हाय लास्ट क्वेश्चन प्लीज, भावना, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन. हाय हाय भावना, वेरी इम्पैक्टफुल ट्रेलर आई मस्ट से. थैंक यू. मिस लाकिया, जिस तरीके की ये फिल्म है या जिस तरीके का भी दौर है, जितना मुश्किल फिल्म बनाना होता है उतना मुश्किल रिलीज़ करना होता है. हर इंडिविजुअल खड़ा हो जाता है, उसको फिल्म से दिक्कत होती है, स्क्रीनिंग की डिमांड की जाती है. क्या आपको लगता है आपकी इस फिल्म को भी आगे चल के ऐसा कुछ हो सकता है कि आप कुछ स्क्रीनिंग रखेंगे किसी के लिए? यू ओके, यू सेड हाय टू श्रद्धा सर. आई सेड हाय टू बोथ. So you know what, there are advantages and disadvantages of living in a democracy. And I guess the advantage is that everyone has a right to opinion. And we are lucky to be born here where we can actually express whatever we feel like. Lekin, when you start making a movie, the last thing you want to think about is what people are going to react to besides the audience. Agar aap kahin bhi dekhe jaye, to picture banti hai 5 logo ke decision se. Ek director hota hai, वो प्रोड्यूसर को कन्विंस करता है, वो दो एक्टर्स को कन्विंस करता है, और राइटर होता है, उसमें पैसे लगा के हम पिक्चर बना देते हैं. द क्वेश्चन इज, एज अ डायरेक्टर एंड एज अ फिल्म मेकर एंड एज समवन हु लाइक्स टू से अ स्टोरी, मुझे क्या अच्छा लगता है बनाने के लिए, बट आई कैन नॉट फोसी के प्रॉब्लम क्या होने वाला है. बिकॉज लाइक आई सेड, जब लोग पिक्चर देखेंगे समझ जाएंगे कि हमने दोनों साइड का रिसर्च किया है, हमने ट्रेलर भी बैलेंस किया है, जो हमें बोलना था वो बोला है ट्रेलर में, एंड देर इज़ इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर जिसका किरदार श्रद्धा निभा रही है ऑन द इंटरनेट. देर इज़ इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर ब्रदर एंड व्हाट हर ब्रदर्स डन. एंड जो पिक्चर का माहौल है वो बॉम्बे की हिस्ट्री के 40 साल में है, तो वो हमने दिखाया है स्क्रीन पे एज बेस्ट टू आर नॉलेज, जितना हमने रिसर्च किया था, जितना इंटरनेट पे है, जितना लोगों से बात की है. तो स्क्रीनिंग तो स्पेशल किसी के लिए नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ होता है तो देखेंगे यार, बट आई होप होता नहीं है. ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच. जस्टिन हियर फ्रॉम पीटीआर. थैंक यू, प्लीज प्लीज, थैंक यू. ओके, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन, प्लीज कैन वी टेक द माइक. श्रद्धा, वी ऑफ कोर्स हैवंट सीन यू इन अ रोल लाइक हसीना पाकर, बट ऑनेस्टली बिफोर द फिल्म हैपेंड, वर यू अ लिटिल बोर्ड ऑफ डूइंग द गर्ल नेक्स्ट डोर रोल्स व्हिच बॉलीवुड वाज ऑफरिंग यू? I don't think I can ever get bored of romantic films and being a part of romantic films. I think that I've had the opportunity to be a part of a few romantic films now, you know, films that have had a very strong love angle. So me being somebody who loves watching them, romantic movies, I love being a part of them. And I would always take up a interesting romantic script, always. So, and I feel like
I think being an actor can very rarely be a boring thing to do or to be, because you get to play so many characters. And I cannot remember one instance when I was bored. Okay, except for when if I take very long to get ready for my character, sometimes that can get a bit challenging in terms of, you know, how long you can sit on that chair. And then you're like, break, please, two minute break. Then you walk and you do a little stretching and all that. You go and sit on your chair again. But I think that being an actor and just being in films is a real privilege. And you get to be a part of so many different worlds. So I feel very grateful for all the films that have been offered to me.